नमस्कार दोस्तों, पटना से ये वीडियो आया है जो कि कोविड 19 की वजह से इनकी पति का देहांत हो गया है। देहांत होने के बाद कुछ मदद करते हुए रंजन के तरफ से कुछ मदद दिया गया। आगे आपको बता रहा हूँ कि इनका पति का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, जो कि मदद पहुंचाने का काम किया। होने के बाद मसौढ़ी अध्यक्ष श्री विपिन सिंह ने अपने साथियों के साथ 6 महीने की सूखा राशन अधिक मदद की, साथ उनको उनकी बेटी को शिक्षा की जिम्मेवारी ली। पप्पू यादव के साथी रंजन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी को सेवा दे रहे हैं। यहां तक आपको बता दें, पप्पू यादव को अभी जेल से नहीं रिहा किया गया है, उनको अभी भी रखा हुआ है। उनका जो भी कार्य करता है वो सभी काम कर रहे हैं। हर रोज़ गरीबों को भोजन पहुंचा रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं, हर जगह जो भी हॉस्पिटल का घोटाला, एम्बुलेंस का घोटाला जो भी हुआ है, सभी को उजागर कर रहे हैं, गांव समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पप्पू यादव के निगरानी में सारे साथी जो भी हैं उनका, वो काम कर रहे हैं। बिहार में आपको बता दें दोस्तों कि इतना हालत ख़राब है कि हर जगह चोरी चकारी और ये सब हो रहा है, काम सही से बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। आगे आपको दिखाते हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह। पेट्रोल और डीजल ज़्यादा महंगा होने के कारण किसी के पास पैसा नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन जारी है। पप्पू यादव के समर्थन जो भी लोग हैं, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, गाँव समाज को उजागर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक बता दें दोस्तों कि महंगाई इतनी ताज़ा हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गया है कि पूरी जेब खाली हो चुका है, और क्या खाएगा और क्या पेट्रोल जलाएगा, क्योंकि किसी के पास पैसा अभी है नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार सबसे पीछे चलने वाला देश, जो कि विकास के नाम पे पूरी तरह से ठप है। हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, राशन हो, इसके अलावा कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि बिहार में कंपनी, फैक्ट्री, रोज़गार देने का काम करना चाहिए। हर गांव, हर शहर में हो चुका है, जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है। यहां तक बता दें दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने अपने यूपी में और लखनऊ में जहां भी उनका है, वहां तक काम अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ तक बता दें दोस्तों कि सिटी, फिल्म सिटी वगैरह का भी ओपनिंग किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में कहीं पे कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी हो या दफ्तर हो, जहाँ भी आप जाइएगा आपको घूस देना पड़ेगा। जो भी काम कराना है आपको घूस देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी सरकार के थ्रू से मिलता है, सभी चारा घोटाला में चला जाता है। जो भी सरकार बनता है वादा करता है, वादा करने के बाद सब पीछा हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि गाँव शहर में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू आप तक न्यूज़ पहुँचा।